हेलो गाइज, मेरा नाम है श्लोक। आप देख रहे हैं टेक बर्नर और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे चैनल पे मेरे को इतनी ज़्यादा बार पूछा जाता है और काफ़ी जेनेरिक सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन के लिए एक पूरी एक वीडियो बना देते हैं अच्छे से। मेरा फ़ोन गेम खेलते टाइम गर्म हो जाता है, मेरा फ़ोन पॉकेट में पड़े पड़े गर्म हो जाता है, मेरा फ़ोन गर्म होकर रिस्टार्ट करने लगता है, मेरा फ़ोन चार्जिंग के टाइम गर्म हो जाता है। इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा और आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप इन सबको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोग जो मेरे को बोलते हैं कि फ़ोन गर्म हो रहा है, तो आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि एक्चुअली कौन सा कॉम्पोनेंट गर्म हो रहा है। फ़ोन के गर्म होने के बेसिक दो रीज़न होते हैं, एक प्रोसेसर और जीपीयू गर्म होता है या एसओसी गर्म हो जाती है, और दूसरा बैटरी गर्म होती है। तो बेसिक सारे फोन्स का जो बेसिक मदरबोर्ड है वो सिमिलर सा होता है। तो प्रोसेसर और जीपीयू ऊपर के पार्ट में रहते हैं कैमरे के पास, और जो बैटरी है वो नीचे की साइड होती है। तो अगर आपका फ़ोन यहाँ से गर्म हो रहा है, मतलब बैटरी से गर्म हो रहा है, तो आपको अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर आपका फ़ोन जीपीयू या सीपीयू साइड से गर्म हो रहा है तो आपको अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपका सीपीयू और जीपीयू गर्म हो रहा है तो ये बहुत बुरी बात नहीं है, एक्चुअली अच्छी बात है, और इसका मतलब है आपकी हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रही है तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, आप गलत चार्जर यूज़ कर रहे हैं, आप फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं अपने नॉर्मल वाले फ़ोन के साथ, या गलत तरह का फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं जो बैटरी को ओवर टाइम डैमेज कर देता है। और फास्ट चार्जिंग भी लाइक नॉर्मली अगर आप एक कवर लगा के या फिर एक गलत एनवायरनमेंट में अगर आप फ़ोन को चार्ज करेंगे, वो भी आपके फ़ोन को थोड़ा बहुत डैमेज कर सकती है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप जो फ़ोन के साथ चार्जर यूज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उस फ़ोन के लिए ही बना है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो उस टाइम आपको बैक कवर हटा देना चाहिए, क्योंकि बैक कवर या फिर कोई भी कवर आपके फ़ोन का एक कपड़े की तरह काम करता है, और कपड़े हमको गर्म रखते हैं तो फ़ोन भी उसकी वजह से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप चार्जिंग के टाइम अगर अपना फ़ोन हटा देंगे तो बढ़िया रहेगा, और ओवरहीट नहीं करेगा, और इससे बैटरी भी खत्म नहीं होगी। कुछ कुछ फ़ोन्स में एक्चुअली जो LED पैनल्स होते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं और वो भी बैटरी को ओवरहीट कर देते हैं। जनरली क्या रहता है, प्रोसेसर तो ऊपर की साइड होते हैं तो बैटरी को ज़्यादा ओवरहीट नहीं कर पाते, बट काफ़ी फ़ोन्स का जो डिस्प्ले होता है वो भी एक्चुअल हीट कर सकता है बैटरी को। तो आप अपनी ब्राइटनेस कम करके चार्ज करेंगे तो बेटर रहेगा, और अगर आपकी बैटरी ख़राब है तो उसको डेफिनेटली रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क डालेगा, बैटरी लाइफ पर तो डालेगा ही, और बाकी सारी चीज़ें भी जो आप अपने फ़ोन के साथ करते हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। और एक चीज़ और, मैंने एक YouTube वीडियो में और एक आर्टिकल में भी देखा था, लोग बोल रहे थे फ्रिज में रख दो फ़ोन को या फिर ठंडे पानी में डाल दो अगर वाटरप्रूफ है। ये काम तो भाई बिल्कुल मत करना, तुम्हारी बैटरी पक्की बात फट जाएगी। अगर फटती नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बैटरी के ख़राब होने के। एकदम से टेम्परेचर जब चेंज होता है बैटरी का, एकदम गर्म से एकदम ठंडा या फिर एकदम ठंडे से एकदम गर्म, तब उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ख़राब होने के। तो आपकी बैटरी गर्म नहीं होगी तो आप उस पर डोसा नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको डोसा बनाना है मस्त, तो सब्सक्राइब बटन एकदम गर्म गर्म है, उसको दबाओ और उस पर डोसा बना लो, और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट भी हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आपका सीपीयू और जीपीयू गर्म हो रहा है, अगर ये दो पार्ट्स आपके गर्म हो रहे हैं या फिर एसओसी गर्म हो रही है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, एक्चुअली अच्छी बात है फ़ोन के लिए। और जितने भी नए कॉम्पोनेंट्स आते हैं जो मदरबोर्ड में अटैच रहते हैं, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर्स भी झेल लेते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बस दिक्कत आपके हाथों को होगी, क्योंकि फ़ोन थोड़ा गर्म हो जाएगा, और इसकी वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग होती है। थर्मल थ्रॉटलिंग एक्चुअली क्या होती है, जब आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, जब आप सीपीयू गर्म होने लगता है, तो सिस्टम उसको रोक देता है और ज़्यादा गर्म होने से, और आपकी परफॉर्मेंस कम कर देता है। तो इससे फ़ोन ज़्यादा ओवरहीट नहीं करता है और आपको ऑमलेट बनाने के लिए नहीं मिलेगा, बट जो आपकी परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी। अब इसको ठीक करने के लिए आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या कॉज कर रहा है इन दोनों को गर्म करना। तो पहली चीज़ है, अगर आपका रैंडमली गर्म हो जाता है फ़ोन, मतलब आप गेम वेम नहीं खेल रहे हैं, तो ये हो सकता है एप्लीकेशंस की वजह से जो बैकग्राउंड में रन कर रही हैं और बहुत सारी सीपीयू ले रही हैं। और दूसरी चीज़ हो सकती है आपके सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत है, मतलब जो कंपनी ने पुश करा है अपडेट उसमें दिक्कत है। तो अगर सेकेंड वाला ऑप्शन है तो इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप बस कंपनी को बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और वो अपडेट पुश कर देगी और अपना फ़ोन आप अपडेट कर सकते हैं। बट अगर आपकी एप्लीकेशंस में दिक्कत है या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो मेमोरी में हर टाइम चलती रहती है, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर या फिर कोई लोकेशन सर्विस है जो सारी सर्विसेज एक साथ चलाती है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन है उसको आप अनइंस्टॉल ही कर दो और उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव एप्लीकेशन यूज़ कर लो। बट अगर आपको उसको अनइंस्टॉल नहीं भी करना है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक दो लिंक एप्लीकेशन की। तो अगर आप गेम खेल रहे हैं अपने फ़ोन पे या एडिटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बैक कवर निकाल के ये सारे काम करने चाहिए, क्योंकि बैक कवर आपके फ़ोन को ज़्यादा गर्म कर देता है। और गेम खेलते टाइम ऑफकोर्स आप बेड पे या ऐसी लोकेशन में खेल रहे होंगे जहाँ पे फ़ोन गिरने के चांसेस कम रहते हैं, तो आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, बैटरी लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और गेम भी एकदम स्मूथ चलेगा। बस ऑमलेट खाने के लिए नहीं मिलेंगे।
तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें डाल दी हैं ओवर हीटिंग के बारे में। अगर आपको चार्जिंग के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, और बैक कवर से क्या नुकसान होते हैं उसके लिए भी आप एक वीडियो देख सकते हैं। बट अगर आपकी स्टिल ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हैं तो आपको साइबेरिया ही जाना पड़ेगा, या फिर एक नया कूलर खरीद सकते हैं जिसके सामने बैठ के आप हर टाइम गेम खेलते रहेंगे। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और लाइक बटन दबा देना, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।